हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको फ्रैक्चर के बारे में बताने वाला हूँ कि फ्रैक्चर कितने दिन में जुड़ता है, और बिल्कुल लाइव प्रूफ डेमो दिखाने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कौन है, तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि कोई पेशेंट है, ये एक सिस्टर है और मैं उनको जो अभी जल्दी में कोई फ्रैक्चर हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, कैसे इनका फ्रैक्चर हुआ और कितने दिन में जुड़ता है। तो वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, इनसे ही सवाल करूँगा, आंसर ये देंगी कि इनको कैसा फील हो रहा है और जो है इनको क्या महसूस होता है प्लास्टर चढ़ने पे। तो प्लास्टर हमारे द्वारा चढ़ाया गया है, बकायदा एक्सरे भी है, सारे एक्सरे में स्क्रीन पे आपको जूम करके सारे दिखा दूंगा। बकायदा भी इनसे जो बात करते हैं, उसके बाद एक्सरे में देखेंगे हड्डी इनकी यहाँ से टूटी है, ह्यूमरस का सैफ, ठीक है। तो इनसे मैं पूछता हूँ क्या हुआ था दीदी, आपके साथ क्या हुआ था जी, तेरे साथ क्या हुआ था? बाइक से गिर गई थी। तो दीदी ने बताया बाइक से गिरी थी। अब मैं इससे पूछता हूँ, मतलब इससे कैसा फील होता है ना, आप लोगों के मित्र होंगे, प्लास्टर चढ़ा हुआ तो खुजली मस्ती होगी और आप पोरा भी करते होंगे, इसके अंदर तो इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। ये आपको भी मालूम है कि किसी भी चीज़ को अगर रब करते रहते हैं तो स्किन जो है वहाँ पर एलर्जी हो जाती है और स्किन जो है छलकने लगती है। तो दीदी से पूछता हूँ कैसा महसूस होता है, तो प्लास्टर दीदी तुम्हारे हाथ पे चढ़ा है, कैसा लगता है आपके लिए? तो पता मतलब कैसा महसूस होता है प्लास्टर पे, तो ये आपको बता रही हैं। दर्द होना बंद हो गया और क्या कहते हैं, मतलब आज इनका 19वां दिन है, वो 20वां, तो 20 दिन में जो आप बता रही हैं दर्द भी कम हो गया, बकायदा सूजन वगैरह भी होती है, वो भी कम है, मतलब खुजलाहट भी कम है और जो है स्वेलिंग भी नहीं है, खुजलाहट हो रही है इनके, बता रही है खुजलाहट हो रही है, दर्द कम है। और जो सूजन थी उसका क्या हुआ? सूजन चली गई और बकायदा कैल्शियम इनको खिला रहे हैं। और इसके अलावा इनके पहले 7 दिन का कच्चा प्लास्टर चढ़ा था, जिनमें इनकी जो वो इसलिए चढ़ा था कि वो सूजन घट जाए, और बहुत ज़्यादा हाथ जो यहाँ से नीला पड़ गया था। इनसे पूछता हूँ इनका हाथ नीला पड़ा या नहीं, ये एक पहचान है फ्रैक्चर की कि जब भी फ्रैक्चर होता है तो उस जगह पर हाथ नीला पड़ जाता है। तो आपके साथ क्या हुआ था, हाथ नीला पड़ा था या नहीं? हाथ नीला इनके पड़ गया था, क्योंकि नीला इसलिए पड़ता है वहाँ की जो आर्टरीज वेन वगैरह होती हैं, ब्लड सप्लाई होती है, वो वहाँ से बिल्कुल निरस्त हो जाती है और जो है ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर अंदर ही अंदर निकलने लगता है, तो वहाँ पर नीला पड़ जाता है। तो 4 लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सी जो हंसी भी आ रही है ना, और इतनी बड़ी छत है यहाँ पर। अब मैं इनसे दोबारा पूछता हूँ कि इनको कितने दिन का टाइम दिया है प्लास्टर कटने का, तो इनसे पूछता हूँ मैं कितने दिन का समय दिया आपको डॉक्टर ने? 45 से 50 दिन का, यानी कि मान के चलो 1.5 से 2 महीना, ठीक है। 1.5 से 2 महीने में प्लास्टर कट जाएगा, उसके बाद ये जो है अपने हाथ को चला भी सकती है और थोड़ा बहुत इसको यूज भी कर सकती है। हाँ, लेकिन आप सोचेंगे हम 50 किलो वजन उठाएं, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो हड्डी जुड़ने में जो फोरआर्म अगर टूटती है, या कोई आपके थाई की बोन टूटती है, या आपके टीबिया फुबला जो लेग की बोन टूटती है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। आपको बस पेशेंस रखने का, धैर्य रखने की जरूरी है। हड्डी तो अपने आप से जुड़ जाती है, खाने पीने में अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें और बकायदा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, देख क्या रहे हो, वीडियो को लाइक करें। तो ये जो इनके ऊपर से जो आपको दिख रहा होगा आर्म स्लिंग होता है, ये इसको सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। ये आर्म स्लिंग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हाथ हिले डुले नहीं, और ये मेरी सिस्टर हैं, ये हाथ बिल्कुल भी नहीं हिलाती हैं, इसलिए इनका हड्डी जो अच्छे से प्रोग्रेस चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इनका कैल्शियम बन चुका है। कैल्शियम को दूसरी भाषा में बोले तो मेडिकल टर्म में कैलस बनने लगता है, सॉफ्ट कैलस स्टेज आती है, तो हड्डी यानी कि जुड़ने लगती है। फिर बोन रिमॉडलिंग होता है, उसमें 1 से 2 साल लगते हैं, यानी कि हड्डी बिल्कुल स्वतः अपने आप से पूरे शेप में आ जाती है, जैसी हड्डी सीधी थी वो हो जाती है। इनकी हड्डी 50% यानी कि जुड़ चुकी है, 50% का मतलब कि इनका जो एक्सरा है बीचों बीच में हड्डी आ चुकी है, थोड़ा सा इधर उधर रह गया और वो भी शेप में आ जाएगी 20-21 दिन में, और क्या लोगे। तो वैसे तो इसमें जो है रॉड या प्लेट डाली जाती है, लेकिन परंतु सिस्टर होने के नाते इनको अच्छा जो है डिसीजन यही दिया कि आप हाथ ना हिलाओ तो प्लास्टर चढ़वा लो, है ना। और बकायदा आपका कोई सवाल हो, कोई प्लास्टर से जुड़ा है, हड्डी से जुड़ा है, या कैसी भी खुजली या कोई इन्फेक्शन हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं हूँ फिजियोथेरेपिस्ट, आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, फ्रैक्चर के बारे में होगी, और ऊपर जो आई बटन पर वीडियो आ रही है इनको भी आप देख लीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, अपना रखिए ख्याल, जय हिंद, वंदे मातरम।